नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। साइंस की इस क्लास में हम बातचीत करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। ये इसका पार्ट टू है। अगर आप सभी पार्ट वन देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑफिशियल पर जा सकते हैं और वहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट अपलोडेड है। आज अगर आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 10th क्लास के सभी बच्चे इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 10 पर। और यू कैन ईमेल अस ऑन आर ईमेल आईडी व्हिच इज dth.class10@cit.nic.in। If you want to know about our schedule, about our timetable, then please visit our website Swayamprabha and CIET for all these details, what programs are scheduled, for what timings, which subject, which topic, every detail is there. Okay, we have an expert with us. Let's meet her and begin this session as soon as we can. And she is Miss Leena Agarwal. Welcome, ma'am. Thank you. Ma'am is a TGT Science from St. Elson's Pink City School, Jaipur. So let's begin this session. And before beginning the second part, hum ma'am se poochna chahenge ki ma'am, what exactly did we learn in the first part of the same topic, reflection of light? So over to you, ma'am. Reflection of light, first part mein humne बात करी थी कि स्फेरिकल मिरर से जब लाइट रेस टकराती हैं या उससे परिवर्तित होती हैं तो वो कहाँ जाती हैं, कैसे जाती हैं और किस तरह से इमेज बनती है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। हमने फर्स्ट पार्ट में कॉनकेव मिरर के बारे में बात करी थी कि कॉनकेव मिरर के सामने अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, कैसी बनती है, रियल है, वर्चुअल है, छोटी है, बड़ी है। उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख सकते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फोकस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस के बीच में। ये सब टर्म्स हमने पहले डिस्कस भी किए हैं। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसके लिए पहले आप देखिए इसका स्ट्रक्चर। हम पहले भी देख चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस ये दोनों मिरर के पीछे हैं रिफ्लेक्टिव सरफेस के। तो हम ऑब्जेक्ट को फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर या इन दोनों के बीच में कहीं ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपको पता ही है कि अगर हम मिरर के पीछे रखेंगे तो हमें इमेज नहीं मिलेगी। तो हमारे पास खाली दो ऑप्शन बच जाते हैं कि हम या तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख के देखें कि उसकी इमेज कहाँ बनती है, या ऑब्जेक्ट को किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे पोल और इन्फिनिटी के बीच में उस पे रख के देखें कि उसकी इमेज कहाँ, कैसे और कितनी बड़ी बनती है। उसके लिए पहले, सबसे पहले हमारा ऑप्शन हम देखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, जैसे कि हम कन्वेंशनली, हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि कन्वेंशनली हम हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट से दो रेज ले रहे हैं। दोनों रेज जहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, मिलेंगी मीन्स इट सीम्स कि हमें यहाँ ये रेज मिल रही हैं, वो जो है वो इमेज का हेड होगा। तो यहाँ पे हमने दो रेज ली हैं और कन्वेंशनली ये भी माना जाता है कि अगर रेज बहुत दूर से आ रही हैं तो वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। यहाँ मैंने ये दो रेज दिखाई हैं, ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी हैं। ये दोनों रेज हेड से आ रही हैं ऑब्जेक्ट के। रिफ्लेक्शन के बाद, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है इसका, आप देख सकते हैं इसका सरफेस बल्जिंग आउट है तो ये डाइवर्ज कर देता है रेज को, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज हो जाती हैं। किस डायरेक्शन में होती है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो जाती हैं इस डायरेक्शन में कि जैसे कि वो फोकस से आ रही हैं। अगर हम देखते हैं कि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिरर के सामने कहीं भी नहीं मिलेंगी क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, पर इसके लिए हम कहाँ पे देखेंगे, फिर हम उसको इन रेज को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों रेज फोकस में मिल रही हैं, तो अब हमारी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, पर ये वर्चुअल इमेज बनेगी क्योंकि ये एक्चुअली रेज नहीं मीट हो रही हैं, तो ये वर्चुअल इमेज बन रही है। वर्चुअल हाईली डिमिनिश्ड इमेज जो बनेगी वो फोकस पे, वो यहाँ पे बनेगी। अब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख रहे हैं, तो जब हम इसको फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं तो क्या होता है कि ये जो ये रे है हमारी ऑब्जेक्ट के हेड पे से जो रे है
एक रे हमने ली है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, हमारे पास चार ऑप्शन थे जैसे पिछली बार हमने देखा, तो हमने उसमें से दो ऑप्शन लिए हैं, दूसरी रे ली है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो वापस रिट्रेस करेगी अपना पाथ। और इसका इसका रीज़न भी हमने पहले डिस्कस किया था, क्योंकि ये इसके ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट होती है, तो इसलिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाने वाली रे रिफ्लेक्ट होके वापस उसी पाथ पे वापस जा रही है। अब अगर आप देखेंगे तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अगेन हमें वही करना पड़ेगा, हम इन रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, डॉटेड लाइन से हम दिखा रहे हैं इसमें ये दोनों रेज ए डैश पे मिलेंगी, ए डैश पे मिलती हैं, तो इसका मतलब ए डैश बी डैश ये हमारा बना वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड। तो हमने देखा कि दोनों केसेस में हमारी डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, और वर्चुअल और इरेक्ट, चाहे हम इसका मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के सामने किसी भी जगह पर रखें, हमेशा हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी। ये प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स मिरर की हम दो तीन जगह यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। हम यूज़ करते हैं सबसे पहले ये प्रॉपर्टी रियर व्यू मिरर में। रियर व्यू मिरर आपको सबको पता है कि व्हीकल्स में होता है, गाड़ी में, स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, रियर व्यू मिरर में हम पीछे का व्हीकल देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस हो ऑब्जेक्ट का, कोई भी डिस्टेंस हो कोई भी व्हीकल का, हमें हमेशा उसकी इमेज मिरर में दिख जाएगी, इसलिए हम इसको साइड रियर व्यू मिरर की तरह यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ है इसका स्ट्रीट लाइट्स में। स्ट्रीट लाइट्स में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी बल्जिंग सरफेस है। हमने देखा था कि पिछली बार मैंने आपको दिखाया भी था कि इसकी बल्जिंग सरफेस होती है, तो बल्जिंग सरफेस की वजह से ये डाइवर्ज करता है मिरर्स रेज को, तो डाइवर्ज करेगा जब इसके सामने बल्ब लाइट करेंगे, तो वो रेज को डाइवर्ज करके स्ट्रीट या सड़क का ज़्यादा हिस्सा उसको इल्यूमिनेट या उसको रोशन कर देगा, इसलिए हम स्ट्रीट लाइट्स में यूज़ करते हैं। थर्ड हमारा है ब्लाइंड कॉर्नर। ब्लाइंड कॉर्नर जैसे कि आपने शायद देखा होगा हिली एरियाज में भी, या यहाँ पे भी कई जगह सड़कों पे ब्लाइंड कॉर्नर्स होते हैं। ब्लाइंड कॉर्नर मतलब ड्राइवर दूसरी तरफ से आने वाले व्हीकल को नहीं देख पाता है 90 डिग्री पे जब टर्न होती है, तो उस केस में किनारे पे हम ये कॉन्वेक्स मिरर लगा सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमें उधर से दूसरी तरफ से आने वाले व्हीकल की फ़ोटो दिखा देगा। अब हमने ये सब तो देख लिया कि हम रे डायग्राम से किस तरह की इमेज बनती है, कैसी बनती है, कहाँ बनती है, पर अगर हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता करनी हो, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और इसकी फोकल लेंथ ऐसी है, तो हमें उसको इमेज कहाँ पे बनेगा, किस जगह पे, उसके लिए हम न्यूमेरिकली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए उससे पहले मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम्स वो बताना चाहूँगी आपको। ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये हमारी बेस्ड हैं एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन ऑफ जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड हैं। सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, पर इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपको समझ में आया या याद है या नहीं है। इसके लिए हमने देखा पहले ये है कि किस कंडीशन में कॉनकेव मिरर से हमें रियल इमेज मिलती है जो कि ऑब्जेक्ट से बड़ी है। अब ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज हमारे पास पर रियल भी है इमेज हमारे हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं ऑब्जेक्ट से बड़ी के लिए, या तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हो ऑब्जेक्ट, या हमारा फोकस और पोल के बीच में रखा हो। पर सेकंड केस में फोकस और पोल के बीच में क्या होता है, हमें वर्चुअल इमेज मिलती है। आपको अगर याद होगा तो पिछली बार हमने देखा था कि जब अगर हम ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी। यहाँ पे उनका क्वेश्चन है कि रियल इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, तो अब अगर हम देखते हैं तो इनमें से हमारा ये सी ऑप्शन ठीक है, जबकि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से दूसरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़े थे पिछली बार, वो आपने पहले क्लासेस में भी पढ़े होंगे। उस ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे कि मैंने बताया था आपको कि स्फेरिकल मिरर्स एज वेल एज कोई भी अगर आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज देयर, कोई भी शेप हो उसके लिए ये एप्लीकेबल हैं, तो हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन है ऑल मिरर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। थर्ड हमने ये थोड़ी से ये आप देखेंगे, ये आपका डे टू डे लाइफ में भी आपने कभी देखा होगा कि कहीं आप फेट में जाते हैं, मेले में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कई जगह स्टॉल्स लगे होते हैं जहाँ पे आपको अपनी अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी शेप दिखती है। वो तो टेढ़ी मेढ़ी शेप दिखती है, हमें पता है एज अ साइंस स्टूडेंट हम जान सकते हैं कि वहाँ वो डिफरेंट तरह के वो लोग मिरर्स लगाते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं और इसकी वजह से दिखती है। अब यहाँ उन्होंने पूछा है कि कौन कौन से मिरर्स लगे हैं। एक लड़की को, एक बच्ची को
उसको उस मिरर के सामने खड़े होके उसको अपना सर जो है वो बहुत बड़ा दिख रहा है, मिडिल पोर्शन सेम साइज का दिख रहा है और लेग्स छोटे दिख रहे हैं, तो आपको पता है इसका मतलब वो देख सकती है, इसका मतलब मिरर में कैसी इमेज दिख रही है, वो वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बड़ी कब बनती है, जब हम कॉनकेव मिरर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है या फर्स्ट वो है, फर्स्ट ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कॉनकेव मिरर का बना होगा, मिडिल पोर्शन सेम साइज का है, सेम साइज कहाँ दिखता है हमें, प्लेन मिरर में, तो प्लेन मिरर हो गया, और लेग स्मॉलर है। वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज कब मिलती है हमें, जब कॉन्वेक्स होता है। तो हमारे पास ये ऑप्शन कौन सा हुआ, कॉनकेव, प्लेन एंड कॉन्वेक्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ द मैजिक मिरर्स फ्रॉम द टॉप क्या है, कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स। अब हम अपनी उसी बात पे आते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इमेज का डिस्टेंस, या कभी हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए एक मिरर फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है जो कहलाता है मिरर फॉर्मूला। अब उससे पहले हम पहले टर्म्स पे आते हैं। पहले टर्म्स जो ये हैं, जैसे हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अभी तक हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, पर इसको रिप्रेजेंट भी करना होगा हमें फॉर्मूला में। हम या आपको पता ही है कि हम फॉर्मूला में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसको डिनोट कैसे कर रहे हैं हम यहाँ पे, स्मॉल यू से। तो हमेशा याद रखिए यू, स्मॉल यू यूज होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, इसी तरह से स्मॉल वी यूज होता है इमेज डिस्टेंस के लिए, और फोकल लेंथ यूज के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल एफ। इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, वो रिलेशन मिरर फॉर्मूला कहलाता है। मिरर फॉर्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। एक और फॉर्मूला है, अभी हमने जैसे डिस्कस किया था कि डिफरेंट जगह पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमें डिफरेंट शेप का, डिफरेंट साइज का हमें इमेज मिलती है, तो किस साइज की होगी, वो कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन, जैसे कि आप वर्ड से समझ सकते हैं कि मैग्निफिकेशन का मतलब है बड़ा, कितना बड़ा या कितना छोटा। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, साइज ऑफ द इमेज को हम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि इमेज कितना ऑब्जेक्ट से बड़ा है या कितने कितने गुना छोटा है या कितने गुना बड़ा है या सेम साइज का है, सेम साइज भी हो सकता है, तो वो किस वो कितना है उसके लिए हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको पता ही है कि जब भी हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं, दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर कर रहे हैं, वो सेम टाइप की हैं, तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम उनका रेशियो लेते हैं। जब भी रेशियो लेते हैं, अगर सेम क्वांटिटीज हैं, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज हैं, तो उन रेशोज का कोई भी यूनिट नहीं होगा, दोनों की यूनिट कैंसिल हो जाएगी। अब हमें किसका रेशियो लेना है, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का। तो मैग्निफिकेशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है तो हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, या मैग्निफिकेशन है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है तो हम हाइट ऑफ द इमेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, m = h/h से। अब आपके पास अगर मैग्निफिकेशन भी नहीं है, आपने मिरर फॉर्मूला से v, u, f सब आपको पता है, पर आपके पास मैग्निफिकेशन नहीं है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो भी आप h डैश निकाल सकते हैं। कैसे, उसके लिए एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, ये फॉर्मूला है m = -v/u। ये ध्यान रखिएगा कि ये माइनस साइन है, माइनस साइन इज इंक्लूडेड इन द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला में ही है। अब हम ये दोनों फॉर्मूलाज, इसके मैग्निफिकेशन के दोनों फॉर्मूलाज और एक मिरर फॉर्मूला से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पर जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक और हमारे पास प्रॉब्लम आती है, या कह दीजिए कि हमको यूज़ करना पड़ता है, हमें इनके साइन भी यूज़ करने पड़ते हैं, इसमें ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो उसके लिए एक होता है साइन कन्वेंशन। आप देखेंगे, अब मैं आपको साइन कन्वेंशन बताती हूँ। साइन कन्वेंशन हमें डिसाइड कर कैसे करेंगे कि कौन सी क्वांटिटी हमें पॉजिटिव लेनी है, कौन सी क्वांटिटी नेगेटिव लेनी है। जैसे आपको याद होगा 9th क्लास में आपने एक्सेलरेशन किया था, वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, इसी तरह से यहाँ पे जो हाइट्स हैं या साइज या डिस्टेंसेज हैं, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। पर हमें डिसाइड करने के लिए कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, कन्वेंशंस हैं, उन कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए हम लोग डिसाइड करेंगे या हम लोग पता करेंगे कि इनका साइन क्या होना चाहिए। सबसे पहला कन्वेंशन है कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। अभी तक भी आपने जो देखे होंगे रे डायग्राम्स में, हमेशा हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में ही रखा है, तो लेफ्ट साइड में रखेंगे। इसका मतलब है कि लाइट जो है वो हमारी लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है, और जितने भी डिस्टेंसेस हम
प्रिंसिपल एक्सेस पे मेजर करेंगे, डिस्टेंसेस कौन कौन से, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल एंड फोकल लेंथ, ये सारे डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करेंगे। इसका मतलब है जैसे आप लोग मेजर करते हैं डिस्टेंस लेंथ मेजर करते हैं तो स्केल से मेजर करते हैं, तो जीरो ऑफ द स्केल आप एक जगह पे रखते हैं, इसी तरह से आप ये दिमाग में रखिए कि यहाँ पे हम जीरो ऑफ द स्केल हम रख रहे हैं पोल पे, और पोल से हमें किस डायरेक्शन में हमें जाना है उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, वो डिसाइड करेगा कि वो क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब कैसे डिसाइड करेंगे, अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हुए हम पोल से राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो वो क्वांटिटी जो है पॉजिटिव होगी, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो वो क्वांटिटी नेगेटिव होगी। अभी मैं आपको एक फिगर से बताऊंगी, समझाऊंगी कि ये क्वांटिटीज पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होंगी। और एक और चीज़ है, अब हम हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की भी बात कर रहे हैं, वो तो हम पोल से मेजर नहीं कर सकते, हाइट हाइट तो हमें प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करनी होगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर हम ऊपर की तरफ मेजर करेंगे तो वो क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ दैट इज वाई एक्सिस पे अगर हम मेजर करेंगे नीचे की तरफ तो वो क्वांटिटी नेगेटिव होगी। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस से राइट की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस में नीचे की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव होता है और ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव होता है। अब ये आप देखेंगे इस फिगर से आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा कि कौन से डिस्टेंसेस पॉजिटिव हैं और कौन से हमें नेगेटिव लेने हैं। अब आप देख रहे हैं इसमें ये पोल है, ये हमने कॉनकेव मिरर का ही लिया है, बट इससे यहाँ पे कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है। कॉनकेव मिरर्स में ये पोल है, मिरर का पोल है, आप ये समझिए। अब हम इसको ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, हमने लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर हम स्केल जो है जीरो जो है स्केल का वो हम पोल पे रखते हैं, पोल से हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ऑब्जेक्ट के लिए, आप देखिए किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप ये समझिए ओरिजिन है, तो हम अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं तो इसका मतलब यू दैट इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट मिरर के सामने ही रखा होगा। अब नेक्स्ट क्वांटिटी आती है वी, वी दैट इज डिस्टेंस ऑफ द इमेज। अब इमेज भी हमारे दो तरह के बनते हैं, अगर रियल इमेज बनेगी तो वो मिरर के सामने बनेगी, उसके लिए हमें किस डायरेक्शन में जाना होगा, नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे दैट इज नेगेटिव। तो अगर रियल इमेज है तो उसका डिस्टेंस हमें नेगेटिव लेना है, और अगर वर्चुअल बनेगी, आप जैसे कर्सर देख सकते हैं यहाँ पे, अगर वर्चुअल इमेज बनती है तो हमें किस डायरेक्शन में जाना होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो हम एक्स एक्सिस पे जब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं किसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, यू हैव टू इमेजिन, आपको एक दिमाग में एक इमेज बनानी पड़ेगी कि हमारा स्केल है, एक हम स्केल से मेजर करेंगे तो उसका पोल हमने जीरो पे रखा है, अब हम किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, वो डायरेक्शन डिसाइड करेगी कि वो क्वांटिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो वर्चुअल इमेज के लिए क्वांटिटी जो है वो, या डिस्टेंस जो है उसका इमेज का, वो पॉजिटिव होगा। सेम अब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट देखिए, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस जो हाइट है ये पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमने देखा है कि ऊपर की तरफ जाते हैं वाई एक्सिस पे तो पॉजिटिव है, तो हमेशा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है पॉजिटिव होगी। अब हाइट ऑफ द इमेज आप देख रहे हैं, आपको पता भी है कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, तो रियल इमेज होगी तो इसकी हाइट या इसका जो साइज है वो हम नेगेटिव लेंगे, और अगर वर्चुअल इमेज होगी तो इसका साइज एच डैश जो है वो पॉजिटिव होगा। तो रियल इमेज में नेगेटिव हुआ और वर्चुअल इमेज में पॉजिटिव हुआ। अब मैंने यहाँ पे या आप देख सकते हैं, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू जो है ये हमेशा नेगेटिव होगा, जब भी हम यू लेंगे वो हमेशा हम नेगेटिव लेंगे। इमेज डिस्टेंस जो है रियल इमेज के लिए, अगर रियल इमेज बनी है तो नेगेटिव हुआ, और अगर वर्चुअल इमेज होगी तो वी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसी तरह से फोकल लेंथ, आप देखते हैं कि कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में फोकस कहाँ होता है, मिरर के सामने। अगर हम पोल से फोकस की तरफ जाएंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमें मूव करना पड़ेगा, इसका मतलब है कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होगा।
और अगर हम कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में उसका फोकस मिरर के पीछे होता है, तो इसका मतलब है जब हम उसको मेजर कर रहे हैं तो हमें राइट हैंड साइड में मूव करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम क्वांटिटी लेते हैं तो जो क्वांटिटी की वैल्यू हमें दी हुई है, न्यूमेरिकल्स जब भी आप सॉल्व करेंगे तो क्वांटिटीज जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, उसी क्वांटिटी का हम पॉजिटिव या नेगेटिव या साइन हम क्वेश्चन में रखते हैं। जो क्वांटिटी हमें निकालनी है, सपोज हमें वी निकालना है तो हम V की वैल्यू नहीं लिखेंगे, हमें पता है कि इसमें रियल इमेज बनेगी, फिर भी हम V को नेगेटिव माइनस V नहीं रखेंगे फॉर्मूला में, हम उसको V ही रखेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ऑटोमेटिकली उसका साइन जो है अपना आप ही पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होना होगा वो आ जाएगा। तो आप देखिए, तो हमेशा याद रखना है कि ये जो क्वांटिटीज जो हमें दी हुई हैं उनकी वैल्यूज जो है वो हम साइन के साथ लिखेंगे, और जिनकी वैल्यूज नहीं दी हुई है उसको हम साइन के साथ नहीं लिखेंगे या साइन के साथ फॉर्मूला में नहीं यूज करेंगे। और हाइट ऑफ द इमेज जैसे कि मैंने पहले बताया था, वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव होगी और रियल इमेज के लिए वो नेगेटिव होगी। मैग्निफिकेशन एम जो है वो भी वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है, एच डैश डिसाइड करता है कि मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा। अगर एच डैश पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, एच डैश नेगेटिव है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। तो उससे हमें पता चलेगा अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वो वर्चुअल इमेज होगी, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो रियल इमेज होगी। अब हम ये देख रहे हैं न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम, तो न्यूमेरिकल्स में अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसे कि आपको पहले ही बताया जा चुका होगा कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जो जो क्वांटिटीज हमें दी हैं उसके सिंबल के साथ हम उसकी वैल्यू नीचे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि कॉन्वेक्स मिरर है, इसका मतलब इसका फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है तो हमने लिख लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम डिपेक्ट करते हैं आर से, तो आर हो गया हमारा +3। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बस जो है वो ऑब्जेक्ट है, हमारी ऑब्जेक्ट बस है तो बस का डिस्टेंस 5 मीटर है, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें हमेशा नेगेटिव लेना है तो u जो है ये -5 मीटर लेंगे। इमेज डिस्टेंस, अब हमें निकालना है इमेज डिस्टेंस और हाइट ऑफ द इमेज। अब एग्जैक्टली हम हाइट ऑफ द इमेज नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। मैग्निफिकेशन हम, इसका मतलब है वो क्वेश्चन में वो पूछना चाह रहे हैं कि हम कितना बड़ा इमेज हमें मिलेगी या कितने गुना छोटी मिलेगी, कितने टाइम्स बड़ी या कितने टाइम्स छोटी इमेज मिलेगी। अब फोकल लेंथ जो है f वो भी पॉजिटिव होगी, r अपॉन 2 हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर वो 1.5। अब हम इन वैल्यूज को अगर हम मिरर फॉर्मूला में रखते हैं तो देखें, अब हम अगर मिरर फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f या 1/v = 1/f - 1/u, जो क्वांटिटी हमें निकालनी है, v का हमने साइन नहीं लिखा है, हमें पता है कि इसमें प्लस वो वर्चुअल बनेगी तो पॉजिटिव होगा, पर हमने फिर भी हम कहीं भी साइन नहीं यूज़ करेंगे, अपना आप जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका साइन आ जाएगा। अब जो क्वांटिटी हमें निकालनी होती है उसको हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और बाकी क्वांटिटीज को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। जब ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा आया 1/f - 1/u। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, f पॉजिटिव है और u नेगेटिव है, इसका नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6.5/7.5। तो ये पर ध्यान रखिएगा कि ये हमारी वैल्यू आई है 1/v की, तो इसकी हमें v की वैल्यू के लिए इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका हमें रिवर्स लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये हो गया v की वैल्यू हो गई 7.5/6.5 जो कि आ जाएगा 1.+1.15। प्लस साइन से क्या हमें पता चलता है, प्लस साइन से हमें पता चला कि इमेज जो है इतने मीटर दूरी पर बैक ऑफ द मिरर बनेगी, क्योंकि वर्चुअल बनेगी तो बैक ऑफ द मिरर मतलब वर्चुअल इमेज हमें इतनी दूरी पर 1.15 मीटर पर मिलेगी। हमें इंटरप्रेट भी करना है, रिमेंबर जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे उसके बाद उसके आंसर से हमें इंटरप्रेट भी करनी है सिचुएशन को और इमेज को। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट है हमारा मैग्निफिकेशन, क्योंकि हमें हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट नहीं दी हुई है तो हम हाइट ऑफ द इमेज भी नहीं निकाल सकते हैं,
पर मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं. कैसे? हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, उसका सेकेंड ऑप्शन यूज करेंगे, माइनस वी अपॉन यू. अब यहाँ पे आप देखिए कि ये माइनस जो है ये तो फॉर्मूले के साथ है. v की वैल्यू प्लस 1.15 रखी हमने, u की वैल्यू माइनस 5 रखी. जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसका आ गया 0.23. हमेशा याद रखिए अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है इसका मतलब इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटी है, वो डिमिनिश्ड बनेगी. अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आए तो इसका मतलब है इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, मतलब एनलार्ज बनेगी. और अगर 1 आता है तो जैसे कि हमने अभी कहा था, अगर 1 आता है तो इसका मतलब साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम होंगे, जो कि प्लेन मिरर में होता है. आपने देखा ये पहले, है ना? अब देखते हैं, ये हमने लिया था कॉन्वेक्स का, अब हम देखते हैं कॉनकेव मिरर का. जी, कॉनकेव मिरर में ये हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्योंकि हाँ, हमारे ये लास्ट है, बस लास्ट क्वेश्चन है. मैं बस फटाफट आपको बताती हूँ, ये थोड़ा सा कॉन्वेक्स कॉनकेव मैंने दोनों मिरर्स के लिए इसलिए लिया है कि जिससे आपको पता चल सके कि हम साइन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को हम कैसे और कहाँ यूज करेंगे. तो अब हमने, अब सबसे पहले जैसे मैंने कहा था, जो जो आपको चीज़ें आप पढ़ते जाते हैं क्वेश्चन, तो जैसे ही आपको एक क्वांटिटी मिलती है आप उसको नीचे लिखते जाएं आंसर के लिए. तो एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट साइज एच दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट साइज पॉजिटिव होता है तो ये हो गया प्लस 4 सेंटीमीटर. और कितनी दूरी पे है? 25 सेंटीमीटर पे, इसका मतलब हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया हमारा? माइनस 25 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा तो ये हमने नेगेटिव ले लिया. फोकल लेंथ, अब क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है हमें पता है कि कॉनकेव मिरर का फोकस जो है मिरर के सामने होता है, तो हम उसका फोकल लेंथ कैसी आएगी हमारी? नेगेटिव, माइनस 15. अब हमें क्या क्या निकालना है वो भी क्वांटिटीज हम उसके सिंबल के साथ लिख रहे हैं यहाँ पे, इमेज डिस्टेंस वी और इमेज साइज एच डैश. इस केस में हम एग्जैक्ट इमेज साइज भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट साइज एच दिया हुआ है, है ना? अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में यूज किया था मिरर फॉर्मूला, सेम वे हमने यहाँ मिरर फॉर्मूला यूज किया है. इसमें एफ की जगह माइनस 15 लिखा है, यू की जगह माइनस 25. तो ये फर्स्ट टर्म जो है नेगेटिव हो गया, सेकेंड टर्म पॉजिटिव हो गया. आपको पता ही होगा कि फ्रैक्शंस कैसे यूज करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट. तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारा आ गया माइनस 2/75. इसका मतलब वी की वैल्यू हो गई 75/2. 75/2 माइनस 37.5. माइनस साइन बताता है हमें कि हमें रियल इमेज मिलेगी. और क्वेश्चन में भी ये पूछा गया कि हम स्क्रीन कहाँ रखें. आपको ये पता ही है कि हम रियल इमेज को ही स्क्रीन पे ले सकते हैं, वर्चुअल इमेज हम स्क्रीन पे ले ही नहीं सकते हैं. तो ये इससे भी हमारा माइनस साइन शोज कि हमारी रियल इमेज बनेगी. तो इसका मतलब हमें स्क्रीन कहाँ पे रखनी पड़ेगी? 37.5 सेंटीमीटर पे. अब हम साइज पे आते हैं. इसका साइज के लिए, साइज के लिए हमारे पास एच डैश अपॉन एच है. अब हमारे पास एच की वैल्यू तो है, एच डैश नहीं है और मैग्निफिकेशन भी नहीं है, तो हम ये दोनों इसके ऑप्शंस को कंबाइन करते हैं. तो हमारे पास आ गया एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू. और जैसे कि मैंने कहा था जो क्वांटिटी हमें निकालनी है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे. हमें एच डैश निकालना है तो हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ दिया और एच को हम राइट हैंड साइड पे ले आए. जब यहाँ पे लाए तो ये मल्टीप्लाई हो गया इंटू एच. अब जब हमने इसकी वैल्यूज, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे भी हम सब वैल्यूज जो है साइन के साथ रखेंगे. ये माइनस साइन तो जो फॉर्मूले का है वो तो है ही, v हो गया माइनस 37.5, u हो गया माइनस 25 और h हो गया 4 सेंटीमीटर. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 6. माइनस 6 सेंटीमीटर मतलब ये इन्वर्टेड है, इमेज जो है इन्वर्टेड है और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट था 4, साइज ऑफ द इमेज है 6, तो इसका मतलब ये एनलार्ज भी है. तो आप ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं. आप और सॉल्व करना चाहेंगे तो आप ये भी देख सकते हैं, ये जस्ट मैंने प्रैक्टिस के लिए ये न्यूमेरिकल लिखा है. इसमें भी वही चीज़ें दी हुई हैं, ऑब्जेक्ट साइज दिया हुआ है, u 27 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है और मिरर को के सामने हम स्क्रीन को कहाँ पे प्लेस करें इसका मतलब हमारी रियल इमेज बनेगी. बट रिमेंबर, हमें पता है कि रियल इमेज बनेगी पर हम v को माइनस v नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें अपने आप उसको फॉर्मूले से कैलकुलेट करके निकालना है, दिखाना है कि ये नेगेटिव आएगा. अब मैंने हिंट में आपको थोड़ा सा ये बस लिख दिया है कि क्या क्या क्वांटिटीज दी है और आप सॉल्व करने के बाद आपको ये वैल्यूज मिल जाए. जी, तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की आपको उतना ही अच्छा, मतलब आपको
प्रैक्टिस होगी उतना ही आप कॉन्फिडेंट होंगे न्यूमेरिकल करने में. इट्स वेरी इजी, बट आपको थोड़ी सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि साइन का, साइन कन्वेंशन के हिसाब से. आई एम श्योर जो आपने होमवर्क दिया है वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, दर्शक हैं, वो जरूर सॉल्व करेंगे. एंड अगर जी इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम ओनली, एब्सोल्युटली अगर करेंगे. जी, थैंक यू सो मच मैम फॉर एक्सप्लेनिंग द होल प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू. नमस्कार. थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन. एंड मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा. इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए PME विद्या चैनल नंबर 10, क्योंकि थोड़ी देर में हम इंग्लिश की क्लास लेके हाजिर होंगे और हम एक पोएम पे बात करेंगे जिसका टाइटल है फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो अगर आपने ये पोएम पढ़ी है तो उसके जुड़े कोई भी आपके दिमाग में सवाल है तो हमें ज़रूर भेजिएगा. हम इंतज़ार करेंगे. देखते रहिए PME विद्या चैनल्स एंड अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा. नमस्कार.